मैं हूँ पूनम, मसाला किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप कम मेहनत में आसानी से कम चीजों से कुछ ऐसी रेसिपी बनाना चाहते हो इन त्योहारों के लिए, तो आज की दो रेसिपी आपको बेहद पसंद आएंगी। कम सामान से बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी हैं, जो हर त्योहार के लिए फिट हैं। एक है लड्डू, जो है सूजी से बनाया है। सूजी के लड्डू आपने कई बार बनाए होंगे, क्या आपने इस तरीके से कभी लड्डू बनाया है? आप इसकी तारीफें सुन लीजिए। आप लोग मुझे सब कहते हो ना कि ये जो रेसिपी बनती है वो जाती कहाँ है, तो देखिए हम मिल बांट के खाते हैं। मेरी टीम यहाँ जाती है, मेरी टीम एंजॉय कर रही है। मेरी टीम एंजॉय कर रही है। क्या है, क्या लड्डू? ये सूजी का लड्डू है, बहुत गजब का है ना, बहुत गरम गरम मजा आया ना। माइक्रोवेव में 30 सेकंड ही खाली उसको गरम किया, मजा आ गया ना। कल मैं हाँ देखा खाकरे के साथ उसका हाँ, अलग ही और ही ज्यादा मजेदार। जैसे कोई भी हमारे यहाँ मटरी वगैरह होती है उसके साथ खाओ तो और ही मजा आएगा। और कल तो सारंश कह रहा था वो पुडिंग के लिए, वो है क्या पुडिंग वो तुमने मिस कर दी हो। पुडिंग भाई साहब, ऐसी पुडिंग नहीं खाई मैंने, वो ब्रेड की बता रही आंटी जी, ब्रेड की पुडिंग बनाई थी। वो ब्रेड को फ्राई भी नहीं किया था, ब्रेड को बिना ब्रेड को फ्राई किए, आप लोग खाते हो मेरा दिल खुश होता है। जैसे सच में मैं गुड्डू को खिला के खुश होती हूँ, रीमा निकी को, आप लोग को भी खिला के, कोई भी एनीवन। फूड चैनल आपका है लेकिन मजे हम पूरी टीम ने हैं। पर पता है इस खुशबू से ऐसी ऐसी रेसिपी खाने को मिली है ना, आंध्र की, हिमाचल की, उत्तराखंड की, पिथौरागढ़ की, वो सब इस यहाँ पर इसके छोटे के अकेले मजे ले रहे थे आप वहां थे। और सुनो पर इसकी खुशबू से चखने से मैं मोटी हो जाती हूँ। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो हाइट कम, फिर हेल्थ बढ़ जाती है तो दिक्कत आती है। बहुत अच्छा है। और हाँ, जो शक्कर वाला बनाया है ना, उसमें जो लेयर है उसके लिए कुछ ट्रिक्स को समझना बहुत जरूरी है, जिससे आपके भी शक्कर पारे बहुत बढ़िया बने। सबसे पहले हमें लेनी है बारीक वाली सूजी, जिससे हम हलवा बनाते हैं ना, बस वही महीन वाली सूजी लेनी है। कितनी लेनी है मैं आपको दिखा रही हूँ। 1 कप मैंने भर के ले ली और 1/4 कप भी चाहिए, मतलब 1/4 कप मुझे चाहिए बारीक वाली सूजी। पूरे 1 किलो लड्डू बनकर इससे तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर ले रहे हैं हम 2 टेबलस्पून की, जिसमें मैंने कुछ काजू डाले सेकने के लिए। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि सूजी के लड्डू हम ज़्यादा दिन नहीं स्टोर कर सकते, तो उसका क्या कारण है वो भी बताऊंगी। और इसका स्वाद एकदम से नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए वो भी मैं आपको बताऊंगी। छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अब ये ड्राई फ्रूट हम डालेंगे ना, वो भी हमारा सिका हुआ होना बहुत ज़रूरी है। सिके हुए ड्राई फ्रूट से टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। जब थोड़े काजू सिक गए तो नारियल होता है ना, खोपड़ा, गोला जिसको बोलते हैं, उसे स्लाइस कर दिया है, जैसे हम चिप्स कटर से करते हैं, उसे भी सेक लिया और लास्ट में किशमिश डालकर उसे भी सेक लिया और तीनों चीजों को निकाल के एक तरफ रख दिया है। बादाम डालना चाहें तो बादाम भी डाल सकते हैं। अब मैंने उसी घी में, कोई घी नहीं डाला अभी तक, उसी घी में सूजी डाल दी है और धीमी गैस पर आपको सूजी को भूनना। कम से कम 8 से 10 मिनट लग जाएंगे आपको सूजी भूनने में, बिल्कुल भी जल्दी मत करना। अगर जल्दी करोगे तो कच्ची सूजी का टेस्ट आएगा, आपको लगेगा कलर चेंज हो गया, इसलिए ये गलती बिल्कुल मत करना। स्लो गैस पर ही बनाना। याद रहे 2 टेबलस्पून मैंने पहले घी डाला था, अभी 3रा टेबलस्पून डाला है और 1 टेबलस्पून लास्ट में डालूंगी, लेकिन 3 से 4 टेबलस्पून में आपके लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा कप भर के आधा कप बिल्कुल नहीं डालना है। अब सूजी को भूनते भूनते कम से कम मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। जब सूजी अच्छे से भुन जाए तभी आप उसका, मतलब आप समझ जाइए कि हाँ अब ये सूजी अच्छे से भुन चुकी है। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा ट्रिक, जो मैंने बताया था ना, नेक्स्ट लेवल पे पहुँचेगी, तो आपको क्या करना है, आधा कप
नारियल का बुरादा जिसको डेसिक्रेटेड कोकोनट कहते हैं वो डाल दीजिए और उसके बाद आप 5 मिनट फिर से भून लीजिए। मैंने 2 बार लड्डू बनाए हैं और 2 बार में मैंने कहाँ गलती की थी कहाँ नहीं की थी, लोग तारीफें क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको सारा बताऊंगी। अब लिया मैंने यहाँ पर एक दूसरा पैन, यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है पानी और 1 कप भर के मैंने लिया चीनी। भर के लेना है, इस बात का ध्यान रखिए चीनी बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। सूजी से थोड़ी कम है चीनी पर पूरी भरी हुई चीनी है, वेट में बल्कि उससे ज़्यादा ही होगी। अब हमें चीनी और पानी को अच्छे से उबालना है। जब ये चीनी घुल जाए तब आपको एक बात का ध्यान रखना है, ऐसे तार देखना है आपको, स्लो गैस करके एक तार बननी चाहिए। अब हम सूजी वाली कढ़ाई में ये पूरी चाशनी डाल देंगे, बस ये डाल देंगे। अभी गैस स्लो पे मैंने जलाया है। ये जो ड्राई फ्रूट है नारियल काजू और बादाम बारीक कट करके इसमें डाल दिए हैं। इलायची पाउडर लिया है। ऐसा बिल्कुल इसमें एहसास नहीं होगा कि हम ये हलवे के लड्डू खा रहे हैं। क्यों नहीं होगा वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि हमने इसमें खूब सारा ड्राई फ्रूट डाला है और इसमें जो नारियल डाला है तो सूजी का एकदम से टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होके आएगा। और यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दिया है क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी है। हमसे गलती क्या होती है, हमें जल्दी जल्दी चाहिए होती है, जैसे हम कभी भोग प्रसाद के लिए बना रहे हैं। फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया और उसे अपने आप ठंडा होने दिया। पूरा भले 4 घंटे लग गए, उसके बाद जब मैंने इसके लड्डू बनाए तो सचमुच 4 दिन 8 दिन 10 दिन वो लड्डू पड़े रहे। मतलब सूजी के लड्डू इतना स्टोर नहीं हो पाते हैं, पर मैंने रखे, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। क्यों प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि हमने कच्ची चाशनी नहीं बनाई थी, हमने तार वाली चाशनी बनाई थी और वो लड्डू इतने लाजवाब। जब भी मैं माइक्रोवेव में 30 सेकेंड गर्म करूँ और खिलाऊँ और सबकी तारीफें हों और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। घी आपको सिर्फ 3 टेबल स्पून ज़्यादा से ज़्यादा, आखिरी में आपको डालना है तो 1 चम्मच और डाल दीजिए। इलायची पाउडर की खुशबू, नारियल की खुशबू उसमें परफेक्ट है। चाशनी आपको 1 तार की बनानी है। कंसिस्टेंसी के लिए आपको बस गैस बंद कर देना, अपने आप उसे ठंडा होने दीजिए। और ठंडा भी क्या, उसे 2-3 घंटा छोड़ दीजिए, फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही रखना है। और उसके बाद आप लड्डू बांधिए, हल्के से आपको बांधने में ही मजा आएगा। और जब भी मतलब मैं कंट्रोल अपने आप को करती हूँ पर इस लड्डू को देखकर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इतना टेस्टी लड्डू था। अगर आपको बहुत ज्यादा स्वादिष्ट मुंह में घुलने वाले लड्डू चाहिए, कम घी वाले लड्डू चाहिए, परफेक्ट लड्डू चाहिए, सूजी के लड्डू चाहिए, तो ये ट्रिक जरूर फॉलो कीजिए और यही ट्रिक से आप लड्डू बनाइए, फिर देखिए कमाल। तो आगे से जो ये हम बाद में जल्दी जल्दी करते हैं ना कि नारियल का बुरादा डाल दिया, क्या करूं आंटी मेरा ये खराब हो रहा है, लड्डू तो बन ही नहीं रहे, मैंने चाशनी जो जल्दी कर दी क्या, ये गलती बिल्कुल ना करो। सूजी को अच्छे से पकाओ, चाशनी परफेक्ट पकाओ और फिर उसे छोड़ दो और फिर तसल्ली से उसे बनाओ। चम्मच से खाने में जो मज़ा आया ना सबको, बहुत तारीफ की सब। हाँ, अगर आपको इमीडिएटली अभी अभी चाहिए तो फिर नारियल का बुरादा डालकर उसे जल्दी से बांध कर और फटाफट से अपना काम कर लो। अगर आपको चाहिए रखना तो आप वो वाला तरीका अपनाओ। अब चलते हैं उस रेसिपी को बनाने के लिए जिसके बिना दिवाली तो अधूरी होती है, जिसको कहते हैं शक्करपारे। आज शक्करपारे लेयर वाले बनाएंगे और ये शक्करपारे यदि आप लेयर वाले बनाना चाहते हो तो बस इतना सा काम करना होगा, आपको वीडियो को बिना स्किप करके देखना होगा जिससे आप ये परफेक्ट रेसिपी बना सकें। मेरी यही ख्वाहिश होती है, आप जो रेसिपी बना रहे हो, आप इतना खर्च कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बननी चाहिए। तो यहाँ मैं मैदा ले रही हूँ जिसे मैंने 1 कप + 1/2 कप है, टोटल 1.5 कप मैदा है। ग्राम्स में देखेंगे तो 250 ग्राम मैदा है। अब इसमें हम 1 पिंच डालेंगे नमक। नमक डालने से इसका टेस्ट और ज्यादा अच्छा आएगा। और इसमें जो इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून डाल दीजिए बेकिंग पाउडर। जो लेयर्स आती है ना, जो एकदम डिफरेंट होता है हलवाई जैसा, वो इसी से ही होता है। वो लोग तो अमोनिया भी डालते हैं, हम अमोनिया नहीं डालेंगे लेकिन बेकिंग पाउडर डालेंगे। इसमें डालेंगे 50 ml के आसपास घी। तो अगर आप 1 किलो मैदे का रेशियो अगर समझना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा बनाने तो 1 किलो मैदे में हम करीब करीब 200 ग्राम घी डालेंगे। ऑयल भी डाल सकते हो पर घी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ये देखिए,
इसका ये इस तरीके से टेक्सचर होना चाहिए, बहुत अच्छे से मुट्ठी बन रही है। अब आपको लेना है पानी और बहुत ज्यादा कस के आपको नहीं मसलना है, जस्ट जोड़ना है। बहुत ज्यादा कस के अगर हम मसलेंगे तो इसकी लेयर्स जो है ना वो खराब हो जाएंगी। इसी तरह कुछ खास ट्रिक्स के साथ मैंने आपको बालूशाही की रेसिपी भी दी है, उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। इस त्योहार उसे भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। नॉर्मल जब हम कोई भी मैदा गूंथते हैं तो उसे हम सॉफ्ट करने की कोशिश करते हैं, उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ऊपर से टेक्सचर प्लेन आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कैसा है टेक्सचर, यही टेक्सचर चाहिए। तो इसे हमें इस तरीके से जोड़ना है और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है गीले कपड़े से ढककर। यहाँ पर रखा है मैंने एक पैन जिसमें ऑयल हम गरम करने के लिए रख देते हैं। ऑयल के लिए आपको बिल्कुल तेज गरम नहीं चाहिए, बिल्कुल स्लो गरम चाहिए। अभी भी इसे बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, बस जस्ट जोड़ना है। इसकी लेयर्स आपको अभी भी बराबर दिख रही हैं, ये देखिए। अब इसको बेल लेते हैं। इसकी थिकनेस है इतनी होनी चाहिए। आप चाहे तो बहुत बड़े बड़े, लंबे, छोटे, अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपको चाहिए हलवाई जैसा, जैसे लेयर्स वाला, तो उसके लिए आपको इसी तरीके से डो को तैयार करना है, बाकी कोई नई चीज नहीं है। ये सब मैंने निकाल दिए हैं। ये जो बचा हुआ मिश्रण है उसे भी हम बेल लेते हैं। ऑयल को बहुत स्लो गैस पर रखा है तो हमें जो ऑयल गरम चाहिए बस इतना गरम चाहिए। आपने देखा ना, मैंने टेस्टिंग के लिए एक डाला और अब मैं और भी डाल रही हूँ। तो शुरू में आपको इस बात का खास ध्यान रखना है क्योंकि अगर हम गरम में ज़्यादा डालेंगे तो इसकी लेयर्स नहीं खुल पाएंगे, और कब हमें इसका फ्लेम बढ़ाना है ये भी आपको ध्यान रखना है। मेन इंग्रेडिएंट्स वही हैं, बस थोड़ा सा उसका बेलने का तरीका मैंने आपको अलग बताया, रेशो अलग बताया, और बता रही हूँ मैं फ्राई करने का तरीका। बस फ्लेम का आपको ध्यान रखना है। यहाँ आप देख रहे हैं, क्लोजअप में देखिए कैसे ये ऊपर आ गए। अब यहाँ पर एक खतरा और हो जाता है, अगर हमने यहाँ पर सिर्फ लो ही रख दिया तो ये बिखर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर फौरन फुल कर देना है। बस इस बात का ध्यान रखना। अभी भी मैंने करछी नहीं डाली है, बस गैस की फ्लेम फुल कर दी है जिससे वो परतें खुलें और वो फ्राई होना शुरू हो जाए। 1 से 1.5 मिनट के लिए मुझे इसे फुल रखना होगा। फिर जब इसका टेम्परेचर ठीक हो जाएगा फिर हमें लो फ्लेम करना है। बस यहाँ इतना सा ख्याल रखना है। ये देखिए ये परतें हैं ना इसके ऊपर। अब यहाँ भी आपको क्या करना है, बीच से निकाल निकाल के साइड करते जाना है। ऐसे नहीं कि बड़ी करछी से आपने चलाना शुरू कर दिया तो वो टूट जाएंगे। इतनी अच्छी उसकी लेयर निकल गई है। अब जब मुझे लग रहा है कि हाँ अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब मैं इसे थोड़ा मीडियम कर रही हूँ। तो ये सारा ध्यान आपको खुद को रखना है कि कढ़ाई कैसी है आपकी। अभी यहाँ पर मैं अगर स्लो फ्लेम नहीं करती ना तो इसका कलर काफ़ी डार्क हो जाता, जो कि मुझे नहीं चाहिए। जैसा कलर मुझे चाहिए वो आ गया है। अब मैं इसे निकालती हूँ, दूसरा बैच भी सेम इसी तरीके से फ्राई करूँगी। अब यहाँ पर वापस ये ऊपर तैरने लग गए, इनकी परतें खुल गई। अब मैं फ्लेम को फुल कर देती हूँ। बस छोटी सी ट्रिक है जिसे आपको फॉलो करना है। तो आपने देखा ना कितना आराम से फ्राई हो गए, ना तो ये टूटे हैं ना बिखरे हैं, लेयर्स बराबर आई हैं। एक एक छोटे छोटे पार्ट में भी आप लेयर देखिए। चीनी लिए मैंने 1 कप, जिसका ग्राम्स में देखेंगे तो 200 ग्राम चीनी है, और आधा हम लेंगे पानी, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, और स्लो गैस पर चीनी घुलने तक इसे पकाएंगे। चीनी घुलने तक मैंने इसका स्लो गैस कर दिया था। उसके बाद मैंने देखा कि 1 मिनट पकने के बाद ये एक तार की हो रही है, फिर मैंने इसे फुल गैस कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी झाग आ रही है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करूँगी, बस इसमें इस वक्त ये डाल दूँगी जिससे इसके लेयर्स में अच्छे से चाशनी चली जाए। हर 1 मिनट के बाद मुझे इस चीनी ऊपर से डालनी होगी और उसे थोड़ा सा चलाना होगा हल्के हाथ से। ऐसे देखते ही देखते शक्कर जो है ना काफ़ी सूख गई है। अब हमें बहुत ही धीरे धीरे से
इन सबको अलग अलग करके निकालते जाना है। अब ना तो ये चिपके हैं, ना इनकी लेयर टूटी है और ना ही ये बिखरे हैं। ये इसकी जो खास बातें थी सारे सीक्रेट मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी रेसिपी है और ये बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको। तो ये लेयर्ड वाला जो शक्कर पारा ये बनकर तैयार हो गया। शक्कर पारे इसको नहीं कह सकते वरना इन्हें बुरा लग जाएगा, ये लेयर्ड वाले हैं। और इस तरीके से आप इसे ठंडा करके किसी एयर टाइट कांच के जार में रखिए और बच्चे जब आए तो टॉफी चॉकलेट सब छोड़ के इसी को खाना शुरू करें, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को।